नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ग्लास फिलिंग विथ वाटर कैसे करते हैं, इसका एनिमेशन किस तरह से किया जाता है हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह से पानी के ग्लास को हम लोग भरते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाए हैं, एक पानी का ग्लास और एक जार जिसके अंदर कुछ कलरफुल पानी रहेगा। तो आप देखते रहिए। इस वीडियो को समझने के लिए हमें एक बेसिक जानकारी, जो सिंबल किस तरह से बनाते हैं और एक बेसिक आपको एनिमेट आना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने जो मग और ग्लास हैं दोनों मैंने बनाए हैं और इन दोनों को मैं सिंबल बनाऊंगा, ग्राफिक सिंबल। तो पहले सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि जग का एनिमेशन करूंगा। अभी दोनों का सिंबल बना है, यहाँ इसको डबल क्लिक करके अंदर चले जाएंगे। तो पहले जग का एनिमेशन करेंगे, देन हम लोग ग्लास का करेंगे। इसको कट करके अलग लेयर पर लेंगे ग्लास को। चूंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम लॉक कर लिया और अब हम लोग जग का एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग कलर फिल करेंगे। यहाँ पर कोई भी कलर ले लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर कलर फिल करेंगे। और ये जो कलर फिल किया है, हम क्या करेंगे इसको कट करके और फिर जो फिल किया था उसको एक अलग लेयर पर ले लेंगे हम लोग। और इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कट करेंगे ताकि वो हाफ नज़र आए। अब 40 फ्रेम के बाद जो एक फ्रेम मैंने आगे लिया है और उसके बाद उसको सिंबल बनाएंगे। एक से लेकर के 40 फ्रेम तक तो ये सिंपल सा मग रहेगा, जो जार जो है। और 41 नंबर की जो फ्रेम है वहाँ पर हम लोग इसका सिंबल बना करके अंदर आ जाएंगे। और इसके अंदर चूंकि अभी हमें मास्क करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले पूरे कलर से फिल कर देंगे और फिर इस कलर को अलग लेयर पर लेंगे। कलर को कट करके एक न्यू लेयर में हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। तो एक लेयर पर हमारी आउटलाइन होगी और एक लेयर पर हमारा फिल होगा, ताकि इसको हम लोग मास्क कर सकते हैं आराम से। तो आउटलाइन को हम लोग ऊपर रखेंगे और उसके नीचे वाले लेयर पर हम लोग मास्क करेंगे। तो ये देखिए किस तरह से होगा। तो हमें एक्चुअल में ये दिखाना है यहाँ पर कि ये पानी जो है ये किस तरह से हम लोग ग्लास में करेंगे, तो इसका एक एनिमेशन होगा। तो मास्क के थ्रू हम यहाँ दिखाएंगे। तो मास्किंग यदि आपको आती है तो उसको आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसको क्लासिक ट्विन किया हमने, जो मास्क वाला लेयर है इसको क्लासिक ट्विन करेंगे। और अब चूंकि आपको पता है कि मास का मतलब होता है चीज़ों को हाइड करना, ना कि डिलीट करना, तो जो मास वाला पार्ट है उसके अंदर से ही हमें जो ब्लू कलर है वो दिखेगा। तो हमें वो फील होगा ऐसा ये इस तरह से ये है। अब इसका हम बाहर आकर के इसका एनिमेशन करेंगे, इसको एक क्लासिक ट्विन दे देंगे ताकि ये जार ऊपर उठ सके। अभी हम चूँकि बाहर आए हैं
तो इसको आप देखो, अब इसको हम सीधा ऊपर उठा करके जो 41 नंबर की जो फ्रेम है ना, 41 से लेकर के 80 नंबर की फ्रेम तक, तो 80 नंबर पर हम इसको ऊपर उठाएंगे, तो वो 41 से 80 तक इस तरह से जाएगा। और चूंकि वाटर का एनिमेशन हमने अंदर करके रखा है मास्क के थ्रू, तो वो बाहर हमें इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसमें क्या है, मल्टी मास्किंग की हुई है। आप आगे भी देखोगे, अब यहाँ से जैसे पानी गिरेगा तो इसका एक एनिमेशन हम लोग करेंगे, तो इसको भी हम लोग मास्क के थ्रू ही करेंगे। फिर ग्लास को हम लोग देखेंगे, तो पहले तो अभी जो पानी किस तरह से गिर रहा है और ग्लास के अंदर किस तरह से आ रहा है वहाँ से पानी, तो इसका एक एनिमेशन देखेंगे हम लोग। और इसमें हम लोग शेप ट्यून यूज़ करेंगे। आउटलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग आउटलाइन हटा देते हैं। कोशिश करेंगे इसको यहाँ मैच करने की, ताकि लगे कि उसके अंदर से ये पानी पीछे ग्लास के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा शेप से हम लोग इसको थोड़ा सा करेंगे, इसका भी हम लोग सिंबल बनाएंगे। अभी इसका किस तरह से फ्लो आते हैं, इसका एक हम सिंबल बनाएंगे, बना करके और फिर हम लोग अंदर चले जाएंगे। और यहाँ पर इसका फिर इसको जो फ्रेम है हमारी 80 नंबर की, उसके जस्ट ऊपर ही लगाएंगे, यहाँ अंदर आकर के। इसके अंदर फिर डालेंगे हम लोग एक फ्रेम और शेप ट्विन। शेप से क्या होता है कि थोड़ा सा आपका शेप मार्क हो जाएगा, तो वो फील आ जाएगा वाटर का। थोड़ा सा और इसको करके लिख लेते हैं। ठीक है, अभी जो वाटर का जो फ्लो है ना, इसको अभी हम लोग मास्किंग के थ्रू गिरता हुआ दिखाएंगे। उससे पहले यहाँ पर चूंकि वाटर का फ्लो नीचे आएगा, तो ये जो जार है इसका पानी भी कम होता हुआ दिखेगा, दिखना चाहिए, तो इसका भी एनिमेशन कर लेंगे हम। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें काफ़ी काम है मास्किंग का, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को देखना पड़ेगा। पाइवट पॉइंट, दोनों का पाइवट पॉइंट सेम होना चाहिए, तो इससे देखो ये फील होगा कि यहाँ से कम हो रहा है। मास्किंग जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मास्किंग में जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जिसने जो कवर किया है, उसी के अंदर से ही आपको वो वाटर दिखेगा, बाकी सारा का सारा पार्ट हाइड हो जाएगा।
जो कि इस तरह से कम होता रहा है, और इसी तरह से इस फ्लो को भी हम लोग यहाँ पर एक मास लेयर डालेंगे, सेम जैसा हमने जार पर लगाया था ऐसे ही मास यहाँ पर भी होगा। तो एक को तो हम लोग काफ़ी कम कर देंगे और एक को पूरा बढ़ा देंगे, उसको फिर मास लगा देंगे। ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पर ग्लास वगैरह का एनिमेशन हम लोग करेंगे, क्योंकि ग्लास जो है ना स्टार्टिंग से तो एम्प्टी रहेगा, और जहाँ से ये फ्लो ग्लास के अंदर आएगा वहीं से हम लोग ग्लास में फिर ये वाटर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे 95 फ्रेम तक तो एम्प्टी ग्लास रखा, और उसके बाद 96वीं फ्रेम पर यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा भरता हुआ दिखेगा। फिर तो हमने क्या किया, अभी ग्लास को 96 नंबर की फ्रेम पर सिंबल करके हम लोग अंदर चले जाएंगे, और सेम वैसा ही प्रोसेस करेंगे जैसे कि हमने जार के लिए किया था स्टार्टिंग में। तो वही उसी कलर को हम लोग कॉपी करके पहले तो इसको फिल करेंगे, और फिर कट करके अलग लेयर पर ले लेंगे ये इसी हिस्से को। बहुत से लोग बच्चे सोचेंगे कि इसको पहले ही हमने अलग लेयर पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि अलग लेयर पर ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमें उसी शेप में चाहिए, सेम शेप में चाहिए, इसलिए पहले फिल करना पड़ेगा और फिर वहाँ से कट करके अलग लेयर पर उसको कट करके पेस्ट कर देंगे। जैसे जार में हमने उसकी आउटलाइन सबसे ऊपर रखी थी, सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ग्लास के आउटलाइन सबसे ऊपर, फिर मास का लेयर और फिर वाटर का लेयर। तो ये देखो इस तरह से मास्किंग के थ्रू ही हमें ये भरता हुआ नजर आएगा। अब इसको थोड़ा सा पूरा उसका फील देंगे वाटर का, तो यहाँ आप इसको देख लीजिए, एक सर्कल लेंगे हम लोग अलग से, सेम कलर थोड़ा सा लाइट कलर कर देंगे, और यहाँ से फिर इसकी आउटलाइन हटा करके और इसको भी एडजस्ट करेंगे। और जैसे जैसे फील होगा वैसे वैसे उसको यहाँ से एडजस्ट करते जाएंगे क्लासिक ट्यून के थ्रू। इसको आप यहाँ पर एक फ्रेम लेकर के ऊपर करो, फिर एडजस्ट करेंगे, ऐसा करके इसको पूरी तरह से करेंगे। उसको देख लेंगे जहाँ जहाँ भी हमें लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा साइड में हो रहा है या नीचे हो रहा है, वहाँ पर एक नया फ्रेम की फ्रेम दे करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो आई थिंक ये ठीक है, अभी ये सारा ही ठीक हो गया मुझे लगता है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, जो फ्लो पानी का जो फ्लो आ रहा है ना, हम लोग यहाँ पर स्प्लैशेस डालेंगे, तो ताकि वो पानी थोड़ा सा जम करते हुए नज़र आए ग्लास के अंदर। तो यहाँ पर स्प्लैशेस का एनिमेशन भी अंदर जाके एनिमेशन कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन होता है, चार पांच फ्रेम में हम लोग इसको छोटे छोटे ब्रश चला करके इसको हम लोग स्प्लैश इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि ये मैंने कर लिया था यहाँ पर। तो
तो पहले तो ऐसे स्प्लैशेस ड्रा करके इसका भी सिंबल बना करके चार पांच फ्रेम में इसको कंप्लीट कर देंगे, कुछ इसी तरह से। तो ये इसका एनिमेशन मैंने कंप्लीट करके और फिर यहाँ इसको लगा दिया है। जब ये फाइनल, जब चूँकि स्टार्टिंग में हमने वीडियो देखा था, तो फाइनल भी हम लोग इसको एक बार चला के देख लेंगे और इसको ऊपर लेंगे यहाँ पर और फ्लो के पास इसको रखेंगे। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी कुछ इस तरह से क्रिएटिव वीडियो यदि आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।